प्रिवेंशन ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट चैप्टर 16 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शंस 241 टू 246 सेक्शन 241 एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल किसको एप्लीकेशन हो रहा है ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन हो रहा है क्या चीज़ के लिए फॉर गेटिंग रिलीफ इन केसेस ऑफ ऑपरेशन कौन करता है ट्रिब्यूनल को हो रहा है एप्लीकेशन कौन कर रहा है अब सबसे पहला होता है अपने मेंबर्स करते हैं मेंबर्स कौन से मेंबर्स जो कि 244 में स्टेटेड है जिनके पास राइट टू अप्लाई है वो जब 244 करेंगे तब बताएंगे ठीक है तो मेंबर्स करते हैं मेंबर्स कब करेंगे जब मेंबर्स को लग रहा है कि कंपनी का जो काम हो रहा है अफेयर्स ऑफ द कंपनी है इज प्री जुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट प्री जुडिशियल और अप्रेसिव टू द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स और प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी पब्लिक इंटरेस्ट मेंबर्स कंपनी तीनों के इंटरेस्ट्स के प्री जुडिशियल आ रहा है ठीक है या फिर ऐसा कोई मटेरियल चेंज होने वाला है मैनेजमेंट में जिस विच विल लाइकली टू चेंज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी टू बीइंग प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स और एनी क्लास तो इन चार केस में पहला क्या था पब्लिक इंटरेस्ट में मेंबर्स के केस में मेंबर्स का इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाएगा इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी के अगेंस्ट जाएगा या फिर कोई ऐसा मटेरियल चेंज होने वाला है ये सब पहला तीन तो ऑलरेडी हो रहा था और अब एक है फ्यूचरिस्टिक जिससे मटेरियल चेंज होने वाला है मैनेजमेंट कंट्रोल में जिसकी वजह से हो चुका है हैज़ टेकन प्लेस मटेरियल चेंज हैज़ टेकन प्लेस इन द मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ द कंपनी जिसकी वजह से ऐसा लाइकली है कि अफेयर्स ऑफ द कंपनी है वो प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स और क्लास हो जाएगा नेक्स्ट एप्लीकेशन कौन कर सकता है पहला तो वह मेंबर्स कर सकते हैं मेंबर्स कौन से एलिजिबल हुआ 244 वाले वो बाद में करेंगे सेकंड अपना आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट कब करेगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी है ऐसा करना या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन कंपनीज और क्लास ऑफ कंपनीज एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द प्रिंसिपल बेंच सॉरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई क्लास ऑफ कंपनीज करेगा ना तो सारे के सारे कंपनीज उस क्लास के या उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के कंपनीज को करेगा तो उसमें वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई करता है वो डायरेक्ट प्रिंसिपल बेंच ऑफ ट्रिब्यूनल के पास चले जाता है ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट करता है सेकंड में ठीक है अब क्या हो रहा है अभी तक तो सारा हो रहा था कंपनी के अगेंस्ट में अपने ऑपरेशन के लिए अब हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल को करता है इन रेफरेंस कि इंक्वायर करो टू डिसाइड वेदर अ पर्टिकुलर पर्सन इज फिट और प्रॉपर फॉर बीइंग एट अ पोस्ट दैट पर्सन इज मतलब कोई पर्टिकुलर डायरेक्टर है या कोई पर्सन है जो कि अच्छा KMP है या कोई सीनियर पोस्ट में है कोई कंपनी में वो ही इज़ बीइंग फ्रॉड सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि ऐसा सर्कमस्टांसेस है जिससे कि वो पर्सन इज़ गिल्टी ऑफ फ्रॉड या फिर वो अनसाउंड बिजनेस प्रैक्टिसेस कर रहा है या प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस नहीं कर रहा है फिर कोई ऐसा काम कर रहा है जो कि सीरियस इंजरी या डैमेज कर सकता है इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड को ठीक है या फिर उसका इंटेंशन ही ऐसा है कि ही विल डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स और द मेंबर्स तो इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल को देगी रेफरेंस कि उस पर्सन को सर्च करके बताओ कि वो पर्सन इज फिट और नॉट फिट एंड प्रॉपर फॉर द पोस्ट दैट ही इज होल्डिंग ये तीन ठो हो गया सबसे पहला क्या था मेंबर्स कर रहे ट्रिब्यूनल को सेकंड कर रहे सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहे ट्रिब्यूनल को ये दोनों किस केस में था कंपनी के ऊपर था कंपनी के अगेंस्ट था ठीक है एंड थर्ड केस में क्या कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए ट्रिब्यूनल को ही कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए ये पता लगाने के लिए कि वेदर दैट पर्सन इज फिट एंड प्रॉपर अब आता है सेक्शन 242 एंड 243 इसमें क्या बताया है कि पावर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल एज अ कॉन्सिक्वेंस फॉर द टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ सर्टन अरेंजमेंट्स अग्रीमेंट्स क्या होता है देखो इफ पहले तो ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन आ गया 241 में अब वो एप्लीकेशन के बाद ट्रिब्यूनल कुछ सर्च की है और ट्रिब्यूनल इस निष्कर्ष पे आई है इट हैज़ कम टू कंक्लूजन दैट हाँ ठीक है पब्लिक इंटरेस्ट में सही गड़बड़ कर रही है कंपनी अफेयर्स उसका खराब हो रहा है पब्लिक इंटरेस्ट में मेंबर्स के इंटरेस्ट में या फिर इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी खुद कंपनी के इंटरेस्ट में बट उस कंपनी को अभी वाइंड अप करना इज नॉट जस्ट एन इक्विटेबल फॉर सर्टन शेयर होल्डर्स तो वाइंड अप करना इज आउट ऑफ सीन तो वाइंड अप नहीं कर सकता तो उस केस में 242 का पावर लगाएगा ट्रिब्यूनल अब 242 क्या बताता है ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है जिसमें फॉलोइंग अभी जो बताएंगे वो सारी नेचर के चीज़ें ऑर्डर कर सकता है पहला क्या रहता है उसमें कंडक्ट ऑफ द फ्यूचर अफेयर्स ऑफ द कंपनी फ्यूचर में कैसे कंपनी क्या कंडक्ट करेगी अपना उसके बारे में अब क्या होता है किसी का परचेज कर सकती है शेयर्स ऑफ सर्टेन मेंबर्स किससे करवा सकती है दूसरे मेंबर से या फिर कंपनी खुद कर सकती है किसी मेंबर का शेयर्स जैसे कुछ पता चला कि पर्सन जस्ट एंड इक्विटेबल नहीं है जस्ट एंड क्या था वो पहले वाला जस्ट फिट एंड प्रॉपर नहीं है अगर कोई पर्सन के बारे में पता चले वो कोई मेंबर ही था उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया तो उसका शेयर हटवा देगी दूसरे मेंबर से परचेज करवा देगी या कंपनी खुद परचेज करेगी दूसरा मेंबर किया तो ठीक है बट कंपनी खुद परचेज करिए तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा तो कॉन्सिक्वेंशियल शेयर रिडक्शन कैपिटल का हो जाएगा ये सब ऑर्डर में पास कर सकती है ट्रिब्यूनल ठीक है फिर आता है अपना कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है या अग्रीमेंट है बिटवीन मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर या डायरेक्टर एंड द कंपनी ठीक है कंपनी और डायरेक्टर्स के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसको टर्मिनेट कर सकती है उसको सेट असाइड कर सकती है उसको मॉडिफाई कर सकती है और वो सब करने के बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है वो डायरेक्टर या जो भी पर्सन था उसको उसका वेकेशन ऑफ ऑफिस हो सकता है
वो पर्सन कभी भी अपना वो इस केस में अगर वो वैकेशन हुआ है उसका ऑफिस, तो वो अपना कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस नहीं क्लेम कर सकता है. उसको ही विल नॉट बी एंटाइटल टू कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस. एंड अगेन फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स ही कैन नॉट बी अ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और मेंबर ऑफ द कंपनी विदाउट द NCLT's परमिशन. ये सब अपने ऑर्डर में पास करेगी NCLT, ठीक है. एंड अगर नोइंगली वो पर्सन एक्ट्स एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर और डायरेक्टर विद इन दैट 5 ईयर्स, पहले कर लिया तो कॉन्ट्रावेंशन हो गया इस सेक्शन का, तो उस केस में उस पर्सन के ऊपर फाइन आएगा 5 लाख मैक्सिमम, 6 मंथ्स का मैक्सिमम जेल हो सकता है या फिर दोनों भी हो सकता है. अब कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी कोई और पर्सन के साथ या किसी भी पर्सन के साथ कोई अग्रीमेंट वगैरह है तो उस अग्रीमेंट सॉरी ट्रिब्यूनल, कंपनी का कोई अग्रीमेंट है किसी और पर्सन के साथ तो उसको ट्रिब्यूनल क्या कर सकती है, उसको इग्नोर या मॉडिफाई कर सकती है. एंड उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस है. फर्स्ट, कंसेंट होना चाहिए सारे पार्टीज़ का, एंड पार्टीज़ जो है वो अपना डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते इसका कॉन्सिक्वेंस में, ठीक है, वही कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस नहीं क्लेम कर सकते. अब कोई ट्रांजैक्शन हुआ है कंपनी का पिछले 3 महीना में, एप्लीकेशन जब से फाइल हुआ ट्रिब्यूनल को उसके पहले जो 3 महीना में था उसकी वजह से कोई अगर किसी पर्सन को फ्रॉड प्रेफरेंस मिल गया इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी के टाइम पे, अगर किसी को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल गया कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जो कि पिछले 3 महीना में हुआ, तो वो 3 महीना के पिछले ट्रांजैक्शन को नल एंड वॉइड मान लेगा ट्रिब्यूनल. ऐसा भी अपने ऑर्डर में पास कर सकता है, कोई भी डायरेक्टर वगैरह को हटा सकता है उसके पोस्ट से. एंड अगर कोई अनड्यू गेंस कोई मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह किया है तो उनसे वो रिकवर करेगा, एंड वो रिकवर करने के बाद या तो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में जाएगा या फिर अगर आइडेंटिफाइबल विक्टिम्स है तो आइडेंटिफाइबल विक्टिम्स को दे दिया जाएगा, पास ऑन कर दिया जाएगा. एंड सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट के लिए वो बता सकता है कि क्या क्या क्राइटेरियाज है फॉर सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह. अपना किसी पर्सन को वो बोर्ड में भी प्रेजेंट करा सकता है जो पर्सन ट्रिब्यूनल को रिपोर्ट करेगा. अब ये सब तो ऑर्डर पास कर सकती है ट्रिब्यूनल. अब वो जो ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कर दी उसके 30 डेज़ के अंदर अंदर अगेन कंपनी को ROC के पास वो ऑर्डर को फाइल करना पड़ेगा. ट्रिब्यूनल कोई भी इंटरिम ऑर्डर भी पास कर सकती है अगर कोई एप्लीकेशन आया है ट्रिब्यूनल के पास बाई एनी पार्टी. अच्छा, NCLT अपने ऑर्डर में ना स्पेसिफिकली बताएगी कि रिस्पॉन्डेंट इज़ फिट एंड प्रॉपर टू होल्ड ऑफिस और नॉट, ठीक है. अब अगर इफ़ ही इज़ नॉट फिट एंड प्रॉपर तब फिर क्या होगा, वही अपना 5 साल तक वो कोई पोस्ट नहीं ले सकता है कंपनी में अनलेस सेंट्रल गवर्नमेंट का उसको अलाउंस मिल गया. फिर पर्सन कैन नॉट गेट एनी कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, एंड अगर नोइंगली वो करता है तो 5 लाख मैक्सिमम फाइन है, 6 मंथ्स मैक्सिमम जेल है या फिर दोनों भी हो सकता है. अब क्या होता है, ट्रिब्यूनल अगर चाहे तो कंपनी की मेमोरेंडम या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन दोनों को भी अमेंड कर सकती है, ठीक है. वो ऐसा ही अमेंडमेंट माना जाएगा जैसे कि कंपनी ने रेजोल्यूशन पास करके उसको अमेंड किया. अब क्या होता है, वो कंपनी ट्रिब्यूनल तो ऑर्डर पास कर दी AOA MOA को चेंज करने का, बट क्या होता है फर्दर अगर शेयर होल्डर्स वापस SR पास करके उसको चेंज कर दिए तो वो नहीं अलाउ होगा. तो जो भी फर्दर ऑल्टरेशन होगा AOA MOA को वो खाली कंसिस्टेंट होना चाहिए विद द ऑल्टरेशंस ऑलरेडी मेड बाय द ट्रिब्यूनल, कैन बी ओनली इफेक्टिव विद द परमिशन ऑफ ट्रिब्यूनल, ठीक है. अब वो ये जो ऑर्डर पास किया ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल को 30 डेज़ के कंपनी को 30 डेज़ के अंदर ROC के पास में रजिस्टर कराना पड़ेगा. अगर इस सेक्शन का वायलेशन होता है तो कंपनी के पास फाइन लगेगा मैक्सिमम, इस सेक्शन नहीं मतलब ये वाला पार्ट जो अपना ऑल्टरेशन ऑफ AOA MOA वाला था, कंपनी अगर ऑल्टर कर देती है विदाउट ट्रिब्यूनल का कंसेंट तो फिर कंपनी को फाइन लगेगा 1 लाख से लेके मैक्सिमम 25 लाख तक. एवरी ऑफिसर हु इज़ बीन इन्वॉल्व को लगेगा 25,000 से लेके 1 लाख तक, एंड ऑब्लिक और इम्प्रिजनमेंट फॉर 6 मंथ्स. अब आता है सेक्शन 244 जिसमें बताया राइट टू अप्लाई, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें सबसे पहला किसके पास राइट होता है, मेंबर्स. मेंबर्स में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, सबसे पहला तो या तो मिनिमम, इन सब में से मिनिमम होगा 3 में से मिनिमम, क्या कंपनी शेयर कैपिटल वाली कंपनी है तो उसमें मिनिमम 100 मेंबर्स या फिर 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स या फिर 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग राइट जो लोग होल्ड करते हैं उतने मेंबर्स, ठीक है. एक में वोटिंग राइट है मतलब 10% वोटिंग राइट, 10% नंबर ऑफ मेंबर्स या फिर 100 मेंबर्स विच एर इज लोअर, ठीक है. अब अपनी अदर देन शेयर कैपिटल वाली कंपनी होगी तो 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है. अच्छा, ये जो राइट्स है इसका ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि वो वेव कर सकता है ये रिक्वायरमेंट्स और कमती नंबर ऑफ मेंबर्स का भी एक्सेप्ट कर सकता है अगर ट्रिब्यूनल को जेन्युइनली ऐसा लगता है कि करना जरूरी है. सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने खुद भी एप्लीकेशन कर सकती है ट्रिब्यूनल को. अच्छा, जो मेंबर्स हैं जो अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए अप्लाइंग अंडर 241, उनका क्या होता है, उनको यू शुड हैव पेड ऑल द कॉल्स, उनका कुछ भी पैसा बाकी नहीं होना चाहिए, एंड उनके पास रिक्वेस्टेड नंबर ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन देखेंगे अपने होना चाहिए. जॉइंट होल्डर्स जो होते हैं उनको हम लोग 1 ही मेंबर मानेंगे. अब मेंबर का डेफिनेशन दिया है उसके बाद, जो अग्रीज इन राइटिंग टू बिकम अ मेंबर एंड हिज नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. राइटिंग में वो अग्री करता है एंड रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, मतलब कोई डिपॉजिटरी होल्ड कर रहा हो मेंबर, शेयर डिपॉजिटरी होल्ड कर रहा हो बट उसका बेनिफिशियल ओनर कोई और है तो बेनिफिशियल ओनर को ही हम लोग मानेंगे, डिपॉजिटरी को नहीं मानेंगे. अगर कोई पर्सन है हु इज एंटाइटल टू द शेयर्स बट हिज नेम इज नॉट रजिस्टर्ड इन द मेंबर्स बुक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, तो फिर अपने नहीं मानेंगे, उसके पास राइट नहीं रहेगा, ठीक है.
फिर अब क्या होता है, अगर कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, जैसे अपने अप्लाई कर दिए इसके लिए, फिर बीच में ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग कोई अगर मेंबर्स विदड्रॉ कर लिए, तो अपना जो रिक्वायर्ड रिक्वेस्टेड नंबर ऑफ मेंबर्स थे वो कम आ गए मिनिमम रिक्वायरमेंट के, तो क्या होगा, तभी भी हम लोग का चलते रहेगा, क्योंकि प्रोसीडिंग के बीच में नहीं देखा जाता है, ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन देखा जाता है जो रिक्वेस्टेड नंबर ऑफ मेंबर्स है। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि जनरली हम लोग ये बोलेंगे कि ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट कौन कर रहा होगा, जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी के ऊपर कर रहा होगा, माइनॉरिटी को ऑप्रेस कर रहा होगा, लेकिन ऐसा भी केसेस हो सकता है जहाँ पे माइनॉरिटी जो है वो अनड्यू एडवांटेज ले रहा हो अपने माइनॉरिटी होने का, तो उस केस में क्या होता है, मेजॉरिटी भी इस सेक्शन के अंदर रिलीफ क्लेम कर सकता है। ये एक तो केस लॉ था, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसका क्या क्या एग्जांपल हो सकता है, देखो जैसे कि माइनॉरिटी है वो फिज़िकल फोर्स के थ्रू कुछ अपना मेजॉरिटी को हटा रहा है, या अनलॉफुल एक्सरसाइज करा के अब ऐसा कुछ काम कर रहा है जिससे कि वो लोग का बात चले कंपनी में, ठीक है। या फिर ऐसा कोई केस हो गया जिसमें कि डिस्प्यूट हो गया टू ग्रुप ऑफ़ शेयर होल्डर्स के बीच में, एंड उसकी वजह से वो लोग क्या कर लिए, दो अलग अलग ऑफिस कर लिए, दो अलग अलग बोर्ड मीटिंग कर रहे हैं, पूरा सेपरेट बोर्ड मीटिंग हो रहा है, वो अपना अलग डिसाइड कर रहा है, वो अलग डिसाइड कर रहा है, तो ये सब केसेस के उसमें अनऑथराइज पर्सन को अपना एसेट्स दे दे दिए कंपनी की, तो ये सब देखना होगा, उस केसेस में मेजॉरिटी भी क्लेम कर सकती है ये, ठीक है। अब एक ऐसा केस बताया इसमें माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स टेक एडवांटेज ऑफ द एब्सेंस ऑफ मेंबर्स होल्डिंग मेजॉरिटी शेयर कैपिटल, एब्सेंस ऑफ मेंबर्स, वो लोग आए नहीं है बट वो लोग के एब्सेंस में ही कुछ ऐसा डिसीजन पास करा दिया, रेजोल्यूशन पास करा दिया, जिसकी वजह से जो मेजॉरिटी है आर डिप्राइव्ड फ्रॉम देयर वोटिंग, तो उस केस में ये मेजॉरिटी भी जाके अपना हेल्प ले सकते हैं। अब आते हैं सेक्शन 245, जिसमें बताते हैं क्लास एक्शन के बारे में। क्लास एक्शन क्या होता है, क्लास एक्शन होता है कोई मेंबर्स या डिपॉजिटर्स जो कि एलिजिबल है, वो लोग कोई कंपनी ऐसा कोई काम करे जाते हैं प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी मेंबर्स और डिपॉजिटर्स, उसके अगेंस्ट ट्रिब्यूनल के पास जा रहे होते हैं, कोई मेंबर्स या डिपॉजिटर या उनके क्लास। देखो सवाल ये आता है कि क्लास एक्शन करेगा क्यों कोई, क्योंकि 241 तो ऑलरेडी है, बट उसमें क्या होता है, उसमें डिपॉजिटर्स के लिए नहीं है कुछ भी, खाली मेंबर्स के लिए था एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का था, एंड सेकंड क्या है, इसमें उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड थे, उसमें क्या था अपना 100 मेंबर्स या फिर 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स या फिर 1/10 ऑफ द शेयर होल्डिंग। अब इसमें क्या है, इसमें एलिजिबल मेंबर्स है 100 नंबर ऑफ मेंबर्स या फिर 5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, या फिर अगर लिस्टेड कंपनी है तो खाली 2% ऑफ द वोटिंग पावर वाले मेंबर्स, एंड अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो 5% ऑफ द वोटिंग पावर वाले मेंबर्स, इन तीनों में से जो भी लोअर रहेगा वो अपने एलिजिबल मेंबर कहलाएंगे, ठीक है। ये अपनी शेयर कैपिटल वाली कंपनी की थी, एंड अदर देन शेयर कैपिटल वाली कंपनी की वही सेम है 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। अब अपना इसमें एक डिपॉजिटर्स भी आ जाते हैं, डिपॉजिटर्स कब करेंगे, एलिजिबल डिपॉजिटर्स जो होंगे 245 में, एलिजिबल डिपॉजिटर्स होते हैं अपने 100 नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स या फिर 5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स या फिर वन और मोर डिपॉजिटर्स होल्डिंग ग्रेटर दैन इक्वल टू 5% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स जो आउटस्टैंडिंग है कंपनी का, ठीक है ना, 5% इन नंबर, 5% इन द वैल्यू या फिर 100 डिपॉजिटर्स, विच एवर इज लोअर। वही सेम अपना मेंबर्स के लिए है, वापस एक बार रिवाइज कर लो, नंबर ऑफ मेंबर्स 100 नंबर ऑफ मेंबर्स, 5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, और इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी 2% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ द वोटिंग पावर होल्डिंग वोटिंग पावर ग्रेटर दैन इक्वल टू 2%, या फिर इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी होल्डिंग वोटिंग पावर ऑफ ग्रेटर दैन इक्वल टू 5%। तो ये अपने एलिजिबल मेंबर्स हो गए फॉर क्लास एक्शन, मतलब वहाँ पे नहीं कर पाते वो लोग यहाँ पे आके रेमेडी लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या रेमेडीज़ होते हैं कि ट्रिब्यूनल ऐसा कोई ऑर्डर पास करेगा जिससे कि कंपनी कोई ऐसा अल्ट्रा वीरियस टू द आर्टिकल्स और मेमोरेंडम का एक्ट ऐसा करने जा रहा है तो उससे रिस्ट्रेन करेगा कंपनी को, या फिर कोई ऐसा ब्रीच ऑफ प्रोविजंस ऑफ द MOA AOA कर रहा है तो उससे बचाएगा, रोक सकता है ट्रिब्यूनल कंपनी को। फिर ऐसा कोई डायरेक्शन, ऐसा कोई रेजोल्यूशन अपना पास किया शेयर होल्डर्स, उसके अगेंस्ट कोई कंपनी अगर कुछ काम कर रहा है तो उसके उससे रिस्ट्रेन कर सकते हैं। फिर कोई प्रोविजंस अपना कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट कुछ कर रहा है तो उसके अगेंस्ट भी अपने को रोक, इन कंपनी को रोक सकता है, फिर रिस्ट्रेन कर सकता है, ऐसा ऑर्डर पास करेगा ट्रिब्यूनल। अब उसके बाद क्या होता है, लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द ऑडिट फर्म, मतलब क्या होता है, अगर मेंबर्स हो गए या फिर अपने डिपॉजिटर्स हो गए, जो लोग अगर कंप्लेन कर रहे हैं तो वो लोग अगेंस्ट द ऑडिट फर्म भी कर सकते हैं, अगर ऑडिट फर्म ने कुछ ऐसा ऑडिट रिपोर्ट दिया है जो कि फ्रॉडलेंट अनलॉफुल या रॉन्गफुल मैनर में, तो उसका लायबिलिटी जो होता है वो फर्म के पास जाएगा, एंड ऑडिटर्स ऑल द ऑडिटर्स जो भी इन्वॉल्व थे, ठीक है, उनके पास लायबिलिटी चल जाएगा। अब क्या होता है कि जो कि ट्रिब्यूनल इसमें कंसिडर करेगा बिफोर मेकिंग एन ऑर्डर, क्या क्या फैक्टर्स, ठीक है, सबसे पहला तो मेंबर या डिपॉजिटर जो भी अपने ये दिया है एप्लीकेशन दिया है ट्रिब्यूनल को, वो लोग गुड फेथ में होने चाहिए, वो जो भी एविडेंस देंगे वो एविडेंस को कंसिडर करेगा। अगर मेंबर या डिपॉजिटर के पास ऑलरेडी वो पावर है, कंपनीज एक्ट दे रखा है कि जो लोग कराना चाह रहे हैं उसके आगे उसके लिए एप्लीकेशन दिया, बट वो ऑलरेडी पावर वो लोग के पास है, वो लोग कर सकते हैं विदाउट ये वाला रेमेडी, तो ट्रिब्यूनल उसको कंसिडर करेगा, उनको यही बोलेगा कि ऑल्टरनेट रेमेडी है तो आप उसमें चले जाओ, ऑलरेडी है आपके पास वो पावर, ठीक है। फिर
इसमें कौन कौन से एक्ट्स को कंसिडर करेगा ट्रिब्यूनल जो कि ऑलरेडी अकर्ड हो चुके हैं, तो वो ऐसे एक्ट है जो एक्ट ऑकर हो गया बट ऐसा लगता है कि कंपनी फ्यूचर में रेटिफाई करेगा उस एक्ट को, तो उसको कंसिडर करेगा ट्रिब्यूनल, उसके लिए कंसिडर करके ले सकता है, ये पास कर सकता है ऑर्डर। एंड नेक्स्ट अपना कोई ऐसा एक्ट जो अभी होना बाकी है जिसको ऑलरेडी ऑथराइज कर दिया कंपनी बिफोर अकरिंग, या फिर होने के बाद वापस से रेटिफाई करेगा कंपनी उसको, ठीक है। तो इन दोनों केस में या तो हो गया है या होने वाला कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन, तो उसको फैक्टर्स को कंसिडर करेगा ट्रिब्यूनल बिफोर पासिंग एन ऑर्डर। उसके बाद क्या होता है, देखो अब ट्रिब्यूनल सपोज करो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तो एक्सेप्ट करने के बाद वो क्या करेगा, शेयर होल्डर्स जो होते हैं, मेंबर्स जो होते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड रहते हैं, ज़रूरी नहीं है एक ही जगह पे होंगे, बहुत कंसोलिडेटेड होंगे, तो बहुत सारे स्टेट्स में बहुत अलग अलग जगह पे होंगे, तो ट्रिब्यूनल जो है वो पब्लिक नोटिस इशू करेगा एंड एक प्रेस्क्राइब मैनर है जिसके थ्रू वो इस बारे में सर्व करेगा सारे मेंबर्स को एंड डिपॉजिटर्स को कि वो एक्सेप्ट कर लिया है ये एप्लीकेशन। अब क्या होता है, जैसे कई सारे मेंबर्स अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन में ये डाल रखे होंगे एप्लीकेशन, तो क्या होता है मेंबर्स के पास ये राइट है, मेंबर्स या फिर जो भी अपने डिपॉजिटर्स हैं उनके पास ये राइट है, दे आर अलाउड टू चूज अ सिंगल एप्लीकेंट, कंसोलिडेशन करना पड़ेगा उनको, जितने सारे अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन में सबको कंसोलिडेट करके किसी एक एप्लीकेंट को मानना पड़ेगा एंड वो उनका ही मन का ज्यूरिसडिक्शन में हो सकता है, मतलब सबको कंसोलिडेट करना पड़ेगा अलग अलग जगह पे है तो, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अगर दो क्लास एक्शंस नहीं लिया जा सकता एक ही कोर्स ऑफ एक्शन के लिए, कॉज ऑफ एक्शन के लिए, ठीक है, वो अलाउड नहीं रहेगा। जो कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस रहेंगे ये क्लास एक्शन के, वो कौन बेयर करेगा, कंपनी करेगी या फिर कोई अदर पर्सन हुएवर इज़ रिस्पॉन्सिबल। अब ऐसा कोई है कि फ्रिवलस एप्लीकेशन है जो एकदम भी बेकार एप्लीकेशन है, तो वो तुरंत ट्रिब्यूनल रिजेक्ट कर देगी एंड जो एप्लीकेंट है उसको अपोजिट पार्टी को कॉस्ट देना पड़ेगा विच विल नॉट एक्सीड रुपीज़ 1 लाख। एंड सबसे मेन पॉइंट लास्ट में आया है क्या, कि बैंकिंग कंपनी के ऊपर ये सेक्शन नहीं लगता है, क्लास एक्ट बैंकिंग कंपनी के अगेंस्ट नहीं लिया जा सकता है, सेक्शन 245 कंप्लीट होता है। So with this we come to the end of chapter 16 of Companies Act 2013, prevention of oppression and mismanagement.